नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नलिज्म गाइड में। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि थंबनेल और वीडियो का जो टाइटल है वो तो आपने देखा ही होगा और उसके बाद ही आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। जी हाँ, हम यही बात करने वाले हैं कि क्या आपका एयरटेल डिजिटल टीवी जल्द ही डिश टीवी और वीडियोकॉन डीटीएच को खरीदने जा रहा है। ये सबसे बड़ा जो है अभी का सवाल आया है और कहीं ना कहीं जो है ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही जल्द फैलती जा रही है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि इसके बारे में जो न्यूज है वो जारी कर दी गई है कि किस तरह से एयरटेल डिजिटल टीवी जो है वो यहाँ पर इच्छा जता रहा है कि वो डिश टीवी और वीडियोकॉन डीटीएच में अपना कुछ ना कुछ स्टेक लेना चाहता है, यानी कि कुछ हिस्सेदारी लेना चाहता है। और हिस्सेदारी का मतलब दोस्तों यही है कि किस तरह से आपने देखा है कि आपका डिश टीवी और वीडियोकॉन डीटीएच एक हुए थे और अभी हाल ही में बात करें तो ब्रॉडकास्टर्स में भी जी और सोनी एक हुए हैं और इनके बीच भी मर्च हो गया है। तो कुछ इसी तरह से दोस्तों अब जो है अटकलें चल रही हैं कि अब एयरटेल डिजिटल टीवी भी डिश टीवी और वीडियोकॉन डीटीएच के बीच अपना रास्ता जमाने के लिए लगा हुआ है। अगर ऐसा हो जाता है तो उससे बेनिफिट क्या होगा, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्या वाकई में ये डील हमारे लिए सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करें, बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और साथ ही में हमारी वेबसाइट जो है ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा, journalismguide.in भी अवेलेबल है, वहां पर भी आपके लिए बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हम लेकर आते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी हाल ही में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई है जहां पर बताया गया है कि डिश टीवी जो है कहीं ना कहीं घाटे में भी जा रहा है क्योंकि उनका जो स्टेक मार्केट है यानी शेयर होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं यस बैंक के पास गई हुई है। इसकी वजह से जो डिश टीवी का कंट्रोल है वो अब यस बैंक के पास आ चुका है और ऐसे में क्या हो रहा है, डिश टीवी कहीं ना कहीं घाटे में जाने लगा है और इसका कारण यही है। बाकी अब यहाँ पर देखना ये होगा कि आखिर एयरटेल डिजिटल टीवी क्या अच्छे कदम उठाता है। खबरों की माने तो एयरटेल डिजिटल टीवी यहाँ पर इच्छा जता रहा है, वो चाहता है कि डिश टीवी और वीडियोकॉन डीटीएच मेरे अंडर आ जाएं। इससे क्या होगा कि वो डीटीएच सेक्टर में अपना एक बहुत ही बड़ा कदम जमाना चाहता है। आपने देखा ही होगा कि हाल ही में जो ब्रॉडकास्टर्स कर रहे हैं वो यही है कि हम जो है अपना मार्केट शेयर बढ़ाने लगे, मार्केट जितने भी दर्शक हैं वो बढ़ जाएं। अगर जी और सोनी एक हो गए तो उनके दर्शक बढ़ गए क्योंकि अब ये एक ब्रांड बन चुका है। वैसे ही डिश टीवी ने भी किया था जब उन्होंने वीडियोकॉन डीटीएच को एक्वायर कर लिया था। एक्चुअली बात ये थी कि वीडियोकॉन डीटीएच जो है वो बंद होने जा रहा था क्योंकि वीडियोकॉन जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं डूब गई थी और उनको घाटा हो गया था और कंपनी कह रही थी कि हम डीटीएच बिजनेस को बंद कर देंगे। तो ऐसे में डिश टीवी जो है एक भगवान स्वरूप आया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये जो डीटीएच का ब्रांड है वो दे दीजिए, हम जो है इसको मर्ज कर लेते हैं आपस में और वीडियोकॉन जो है यहाँ से अलग हो गया। और कहीं ना कहीं आपने भी नोटिस किया होगा कि पहले आपके टीवी स्क्रीन पर जो है नीचे वीडियोकॉन डीटीएच लिखा आया करता था लेकिन बाद में जो है सॉफ्टवेयर अपडेट कर देने के बाद वीडियोकॉन का नाम हटा दिया गया और केवल आपको डीटीएच का लोगो देखने को मिलता है। तो उसका मतलब यही है कि डिश टीवी ने जब से इसे खरीदा है वीडियोकॉन से तो उसके बाद ये केवल डीटीएच के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन लोगों की नज़रों में देखिए तो आज भी वीडियोकॉन डीटीएच के नाम ही चढ़े हुए हैं तो लोग उसी नाम से पुकारते हैं। तो आज डिश टीवी और डीटीएच बेशक एक हो गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो है इन्हें वो दर्शक जो है वो मिल नहीं पा रहे हैं जिनकी इन्हें चाह है और इसी वजह से जो है डिश टीवी कहीं ना कहीं कोशिश में लगा हुआ है कि वो अपने नए बॉक्सेस को मार्केट में उतारता रहे। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जिंक सुपर एफटीए बॉक्स भी लॉन्च किया गया जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से आपको काफी फायदा मिल रहा है, 2 साल का फ्री मिल रहा है, उसके बाद आप केवल 499 रुपए में पूरा 1 साल का मजा ले सकते हैं जितने भी फ्री टूर के चैनल्स हैं, डीडी फ्री डिश के चैनल्स हैं और ये जो बॉक्स है वो काफी सेल भी हो रहे हैं। अगर आपको भी ये बॉक्स चाहिए, आपके एरिया में अवेलेबल नहीं हो रहा है तो चिंता मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसको खरीदने का लिंक मिलेगा। हमारे काफी कस्टमर्स जो हैं सेटिस्फाइड हैं, हमने काफी कस्टमर्स के पास ये बॉक्स भी पहुंचाया है तो आप भी उसमें से एक बन सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आप इस सेट ऑफ बॉक्स को अपने घर पर मंगवा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शिपिंग के साथ, कोई भी चार्जेस आपसे शिपिंग के नहीं लिए जा रहे हैं। बाकी दोस्तों बात करें एयरटेल डिजिटल टीवी और डिश टीवी डीटीएच के बारे में तो एयरटेल डिजिटल टीवी पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि वो अच्छा खासा स्टेक डिश टीवी और वीडियोकॉन डीटीएच में हासिल कर ले। अगर एयरटेल काफी अच्छा खासा स्टेक जो है इनका हासिल कर लेता है तो उससे डिश टीवी और डीटीएच की जो मार्केट है वो पूरी की पूरी एयरटेल पे जो है निर्भर हो जाएगी और एयरटेल उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि अभी डिश टीवी को आपने देखा होगा कि वह डीटीएच को कंट्रोल कर रहा है, उसको सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है, उसी तरह से अगर एयरटेल के पास काफी अच्छी खासी हिस्सेदारी आ जाती है तो वो अच्छे खासा इसको मैनेज कर सकता है। और डिश टीवी जितने भी दर्शक हैं जिन्हें नए चैनल्स को देखने में समस्या आ रही है, उनके लिए नए चैनल जल्दी लॉन्च नहीं हो रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपको
सोल्व होते हुए नजर आएगी, उसका भी समाधान निकलते हुए नजर आएगा, क्योंकि एयरटेल डिजिटल टीवी अपने ब्रांड को काफी बरकरार रखना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। जिस तरह से वो टेलीकॉम सेक्टर में भी अच्छा खासा नाम बना रहे हैं, उसी तरह से वो डीटीएच इंडस्ट्री में भी अपना एक बहुत ही बड़ा नाम बनाना चाहते हैं और वे टाटा स्काई को बिल्कुल ही पीछे हटा देना चाहते हैं, क्योंकि टाटा स्काई और एयरटेल के बीच पहले भी मर्ज की खबरें सामने आई थी, लेकिन टाटा स्काई जो है वहां पर मुकर गया था, जिसके बाद एयरटेल ने अब डिश टीवी को अपना हिस्सेदारी बनाने में जो है भलाई समझी, क्योंकि डिश टीवी कहीं ना कहीं डूबते हुए किनारे के पास है और उसे तिनके का सहारा है और एयरटेल उसको वो तिनका जरूर बन सकता है। बाकी इसको लेकर के मन में क्या सवाल चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एयरटेल डिजिटल टीवी को डिश टीवी और डीटीएच में अपना हिस्सेदारी बनाना चाहिए या नहीं, आपकी जो भी राय होगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो कृपया करके वो भी जरूर दीजिएगा। नमस्कार।